नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध काफी गहरा गया है। चीनी सेना के हजारों सैनिक गलवान रीजन में तीन स्थानों पर भारतीय इलाके में घुस आए हैं। चीनी सैनिक पेंगोंगसो झील से सटे फिंगर एरिया में बंकर बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि चीनी सैनिक न केवल सामरिक उद्देश्य से बल्कि एक और बेहद खास उद्देश्य से भारत को भारतीय क्षेत्र में ही सड़क बनाने से रोक रहा है। दरअसल लद्दाख यूरेनियम, ग्रेनाइट, सोने और रेयर अर्थ जैसी बहुमूल्य धातुओं से भरा हुआ है। प्राचीन काल में 10,000 ऊंटों और घोड़ों के जरिए लद्दाख के रास्ते चीन से व्यापार होता था। लेकिन रास्ते ये ऊंट और घोड़े चीन के यारकंद, सिनकियांग और तिब्बत की राजधानी लासा तक जाते थे। इसी दौरान दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। लद्दाख के गलवान रीजन में जिस जगह पर भारत और चीन के बीच यह विवाद चल रहा है, उसके ठीक बगल में स्थित गोगरा पोस्ट के पास गोल्डन माउंटेन है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों की वजह से इस इलाके में अभी ज्यादा सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ सोने समेत कई बहुमूल्य धातुएं छिपी हुई है। यही नहीं, लद्दाख के कई इलाकों में उच्च गुणवत्ता वाले यूरेनियम के भंडार मिले हैं। इससे न केवल परमाणु बिजली बनाई जा सकती है बल्कि परमाणु बम भी बनाए जा सकते हैं। वर्ष 2007 में जर्मनी की प्रयोगशाला में चट्टानों के नमूनों की जांच में खुलासा हुआ था कि 5.36% यूरेनियम यहाँ मौजूद है। यह पूरे देश में अन्य जगह से मिले यूरेनियम से ज्यादा है। लद्दाख भारतीय और एशियाई प्लेट के बीच में स्थित है। यहाँ पर 50 से 60 मिलियन साल पहले दोनों प्लेटों के बीच टक्कर के बाद हिमालय का निर्माण हुआ था। इसी उभरी लद्दाख की चट्टान को भूगर्भ वैज्ञानिक खनिज पदार्थों से समृद्ध बताते हैं। इन्हीं पहाड़ों के बीच यूरेनियम के भंडार मिले थे। भूगर्भ विज्ञानियों के मुताबिक यूरेनियम से भरी लद्दाख की चट्टान अन्य जगहों के मुकाबले बहुत नई है। ये 100 से लेकर 25 मिलियन साल पुरानी है। भारत में इस तरह की यूरेनियम से भरी चट्टानें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है, लेकिन वे 2500 से लेकर 3000 साल मिलियन पुरानी है। चीन के नियंत्रण वाले इलाके से सटे नुब्रा सयोक नदी घाटी में स्थित उदबुरु गांव से यह यूरेनियम से भरी ग्रेनाइट की चट्टान शोध के लिए जर्मनी ले जाई गई थी। इस चट्टान से 0.31 से लेकर 5.36% तक का यूरेनियम और 0.76 से 1.43% तक का थोरियम मिला था। यह यूरेनियम कोइस्तान, लद्दाख और दक्षिणी तिब्बत तक फैला हुआ है। इससे पहले चीन अरुणाचल प्रदेश में ऊपरी सुम्बिसिरी जिले से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर सोने और रेयर अर्थ की खुदाई कर चुका है। यह सोना उसे तिब्बत के युलमिट गांव में मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन को इस इलाके से काफी सोना, चांदी और रेयर अर्थ मिला था। इसकी कुल कीमत $60 अरब बताई गई है। इसको निकालने के लिए चीन ने अरुणाचल सीमा से सटकर कई सुरंगें और संचार के उपकरण लगाए हैं। यहाँ हजारों ट्रकों पर ओर को लादकर फैक्ट्री तक ले जाया जाता है। चीन ने पूरे इलाके में सड़कों का जाल और एयरपोर्ट भी बनाया है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अमेरिका से चल रही तनातनी के बीच चीनी विशेषज्ञों ने सरकार को परमाणु बम की संख्या को कई गुना बढ़ाकर 1000 तक करने की सलाह दी है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु सीजिन ने कहा है कि अमेरिका से निपटने के लिए चीन को अपने परमाणु रेड की संख्या को बढ़ाकर 1000 करना होगा। एक अनुमान के मुताबिक चीन के पास अभी करीब 260 परमाणु बम हैं। चीन अगर 1000 परमाणु बम बनाता है तो उसे बड़े पैमाने पर यूरेनियम की जरूरत होगी। इसके साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद।